हेलो फ्रेंड्स वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक सरकारी परीक्षा गाइस बहुत बहुत स्वागत है आपका चलो जल्दी जल्दी से आ जाओ जल्दी जल्दी से आ जाओ है ना और सभी एक बार से गुड मॉर्निंग बोल दो क्लास में और सेशन को शेयर करते जाओ ठीक है सभी एक बार से लाइव आ जाओ भाई और गुड मॉर्निंग बोलो और सेशन को शेयर करते जाओ मेरे पास ओके okay? चलो ओके okay, चलो सभी को पता है भाई डेली करंट अफेयर की क्लास होती है और डेली हम लोग यहाँ पर मिलते हैं सभी है ना चलो फिर जल्दी जल्दी सभी लाइव आ जाओ एक बार क्लास ऑन कर ले रहे हैं आप लोगों की और बढ़िया हो सब कैसी कट रही है मौज माँ कट रही है मौज माँ मौज में हो सारे सारे ओके एक मिनट चले तो भाई सभी लाइव आ जाओ भाई जल्दी जल्दी से सारे के सारे स्टूडेंट लाइव आ जाओ है ना और सेशन को शेयर करते जाएंगे सभी ठीक है चलो तो गाइस आज हमारा प्यारा सा गुड मॉर्निंग थॉट है ना थके अभी पैर ना अभी हिम्मत हारी है ना थके अभी पैर और ना ही अभी हिम्मत हारी है हौसला है ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का इसलिए अभी भी सफ़र जारी है है ना तो बस समझ में आ गया होगा थॉट कि ना अभी पैर थके हैं और ना अभी हमारी हिम्मत हारी है और हारने वाले भी नहीं है टूटने वाले भी नहीं हैं है ना हौसला है ज़िंदगी में कुछ अलग कर दिखाने का है ना और अभी क्या है अभी तो सफ़र हमारा जारी है तो भाई जब तक सलेक्शन नहीं लेंगे जब तक हम पीछे हटने वालों में से नहीं है है ना सीधा सीधा आज का हमारा थाट कह रहा है चलिए तो इसी प्यारे से थॉट के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं गाइस है ना चलो ओके देखो पता नहीं क्या होगा क्लास ही नहीं खुल रही फोन में है ना देखो आप सभी को पता है मेरी क्लास मॉर्निंग में डेली होती है सेवन ए एम है ना सभी को पता है मॉर्निंग में रोज़ सुबह सात बजे क्लास होती है एक मिनट बच्चे में क्लास ओपन कर लूँ पता नहीं ओपन नहीं हो पा रही है हो गई हो गई हो गई हो गई कभी कभी कितना दुखी कर लेते हैं है ना ओके गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग कुलदीप वेरी गुड मॉर्निंग ओके अवर मै अवर स्वीट मैम एंड ब्यूटीफुल मैम को ब्यूटीफुल सा गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग कुलदीप गुड मॉर्निंग अकील कुरेशी जी गुड मॉर्निंग सावित्री गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग चलो अकील कुरेशी आज तो कई दिन में दिखाई दिए हो भाई कहाँ थे हैं कहाँ थे बीच में कहीं शादी वादी का कोई प्रोग्राम तो नहीं बना लिए हो चलो तो गाइस हमारी क्लास सभी को पता है डेली होती है सेवन ए एम मॉर्निंग में ठीक है और आज है तीस मार्च आज हम देखेंगे तीस मार्च ठीक है और डेली करंट अफेयर चलता है भाई लास्ट में स्टैटिक जी भी देखेंगे और आपके ऑल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है मेरी क्लास ठीक है चलो तो बिना देरी करते हुए मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे लेकर आती हूँ ठीक है बताएंगे जल्दी से फर्स्ट क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस तैतीसवीं सीनियर नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप की महिला व्यक्तिगत ठीक है व्यक्तिगत की बात हो रही है व्यक्तिगत सेवर श्रेणी में स्वर्ण पदक यानी गोल्ड पदक किसने जीता है ठीक है फिर से एक बार क्वेश्चन रीड कर दे रही हूँ तैतीसवीं सीनियर नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप की महिला व्यक्तिगत सेवर श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता है ये क्लास को आंसर करना है ना तो चलो भाई क्लास जल्दी से आंसर कर दो ये ओके चलिए बिल्कुल हाँ मैम मेरी शादी की तैयारी कर रहे हैं सब अरे कुलदीप की शादी की तैयारी हम पूछ रहे हैं अखिल से है ना अखिल अकील कई दिन से गायब हैं अखिल कुरेशी है ना तो भाई इनसे पूछ रहे हैं हम है ना तुम कहाँ बीच में एक्साइटेड हुए पड़े हो कि हमारी भी शादी करा दी जाए हैं शादी का एक्साइटमेंट देखो कितना ज़्यादा है कितना ज़्यादा है हद हो गई चलो इतना ज़्यादा ना ही तड़पो शादी के लिए अच्छा रहेगा है ना चलो ओके आंसर करो जल्दी से आंसर करो मैम सिक्स मिनट लेट हो पहा पता नहीं क्या मतलब वो टेक्निकल हो जाता है बच्चे कभी कभी क्या होता है ना टेक्निकल प्रॉब्लम होती है वो हमारे हाथ में नहीं होता अब चीज़ें ऑन करनी होती है है ना सामने आपका कंप्यूटर ऑन करना होता है बोर्ड ऑन करना होता है कैमरा ऑन करना होता है ना तो उसमें ना थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है चीज़ें जैसे भाई नेट नेट वग़ैरह कभी कभी हैंग वैंग होने लगता है तो ऐसी चीज़ें होने लगती हैं बच्चे तो तुम तो, तो पूरा मार ही डालोगे है ना एक गलती अगर हमसे हो जाए ना तो बख्शते नहीं हो है ना कभी कभी थोड़ा बहुत बख्श दिया करो तो आंसर क्या होगा चलो आंसर क्या होगा भाई भवानी देवी ठीक है भवानी देवी तो यहाँ पे याद रखेंगे तैतीसवीं सीनियर नेशनल जो फेंसिंग चैंपियनशिप की महिला व्यक्तिगत श्रेणी में स्वर्ण पदक कौन ले गई हैं तो भाई ये भवानी देवी ने जीता है ठीक है याद रखना है चलो इनके बारे में हम थोड़ा सा और कुछ देखते हैं यहाँ पे ठीक है ओलंपिक ओलंपियन ठीक है ओलंपियन भवानी देवी ने तेतीसवीं सीनियर नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप में महिला व्यक्तिगत में ठीक है सावरे 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 सेवर कप होगा ये सेवर ठीक है सेवर ये इंग्लिश का हिंदी में जब होता है ना ट्रांसलेट ऐसे सेवर स्वर्ण पदक जीता है ठीक है तो याद रखेंगे ठीक है ओके इन्होंने क्या किया गया भवानी देवी की टीम भवानी देवी की टीम तमिलनाडु ने फाइनल में केरल को हराया ठीक है भवानी देवी की टीम तमिलनाडु से तमिलनाडु टीम थी इनकी ठीक है इन्होंने केरल टीम को हराया है ये बस इतना सा याद रख लेंगे और भवानी देवी के बारे में याद रख लेंगे चलो महिलाओं की टीम श्रेणी तमिलनाडु ने फाइनल में केरल को हराकर स्वर्ण पदक जीता है जिसमें भवानी देवी ठीक है जे एस ठीक है तमिल तमिल सेल्वी एम तमिल सेल्वी और आर वैनी ठीक है एम एर वा आर वैनी क्यूबा आदि शामिल हैं है ना इनकी टीम में और कौन कौन व्यक्ति हैं ठीक है थीके? ये थोड़ा सा याद रख लेंगे ओके तमिलनाडु की टीम यहाँ पर ले गई है गोल्ड और केरल को हरा ठीक है ये चीज़ याद रखना चलो ओके चलो ओके आंसर करेंगे सभी भाई सेशन को लाइक और शेयर करते जाएंगे क्लास अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा अर्जेंटीना अर्जेंटीना फुटबॉल संघ ने किस खिलाड़ी के नाम पर अपने प्रशिक्षण क्या अपने प्रशिक्षण परिसर का नाम रखा है तो भाई जो अर्जेंटीना फुटबॉल संघ है इसने किस खिलाड़ी के नाम पर अपने प्रशिक्षण संघ का क्या रखा है का? इस नाम रखा है ये मेरी क्लास आंसर कर दो ठीक है जल्दी से भाई आंसर करो ओके okay. ठीक है तो क्लास आंसर देखते हैं क्या कर रही है जल्दी जल्दी भाई आंसर किया करो बहुत फास्ट किया करो आंसर ठीक है अच्छा थोड़ा सा इसका ये और याद रख लेंगे गाइस जो ये हुआ था ना ये जो सीनियर ये तेतीसवी है ना तैतीसवीं जो ये हुआ है है ना नेशनल सीनियर फेंसिंग चैंपियनशिप ये कहाँ हुआ है तो भाई ये हुआ है पुणे है ना ये पुणे में हुआ है ये याद रखना है पुणे में हुआ है और ये अभी स्टार्ट हुआ है आपका 28 मार्च से ठीक है 28 मार्च से ही शुरू हुआ है पुणे में हुआ है ठीक तो है, है, तो है तो ये चीज आपको थोड़ा याद तो अर्जेंटीना फुटबॉल संघ ने किस खिलाड़ी के नाम पर अपना नाम अपने प्रशिक्षण परिसर का नाम रखा है तो भाई लियोनेल मैसी के नाम पर रखा है सभी को पता है फुटबॉल के बहुत ही दिग्गज खिलाड़ी है मैसी ये तो सब जानते हो गए बात करें हम अर्जेंटीना की ठीक है अर्जेंटीना की बात करते हैं तो भाई एक दक्षिण अमेरिकी देश है दक्षिण अमेरिकी ठीक है दक्षिण अमेरिकी देश है अर्जेंटीना ये सब को याद रखना है और दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में भी सबसे बड़ा क्या है ब्राजील है ना सबसे बड़ा ब्राजील है उसके बाद हम देखें तो सेकेंड नंबर की कंट्री है है फर्स्ट ब्राजील है। नंबर पर जो है बिगेस्ट कंट्री कौन सी है अर्जेंटीना ही है ठीक है सेकेंड नंबर की बिगेस्ट कंट्री कौन सी कौन सी भाई अर्जेंटीना ही है यहाँ पे घास के मैदान पाए जाते हैं जिनको क्या कहा जाता है ठीक है पंपास घास के मैदान ठीक है यहाँ पर डिजर्ट कौन सा पाया जाता है कोई मुझे बता सकता है पम्पास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं भाई अर्जेंटीना में पाए जाते हैं तो क्लास ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, है ना कुछ चीज़ें होती हैं जिनको ढंग से याद कर लिया करो बहुत अच्छे तरीके से ठीक है अब यहाँ पे एक बात करते हैं गाइस जो अर्जेंटीना है आपने सुना होगा सभी ने बॉल पेन है ना बॉल पेन का आविष्कार पहली बार अर्जेंटीना के वैज्ञानिक ने ही किया था तो भैया अर्जेंटीना से ही बॉल पेन ठीक है बॉल पेन बॉल पेन का अगर हम कहें पहली बार कहा से आविष्कार शुरू हुआ तो यही अर्जेंटीना से ही होता है ठीक है तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है ओके चलिए तो देखते हैं, आगे, ओके, देखते हैं अर्जेंटीना के फुटबॉल स्टार लियोनेल मैसी को है ना व्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की कैपिटल बता दो भाई अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है एक मिनट बच्चे अर्जेंटीना की कैपिटल बता दो क्या है कैपिटल <laughs> ठीक है व्यूनस आयर्स की बाहरी इलाके अजीज शहर में सम्मिलित किया गया है यह अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन ने राष्ट्रीय टीम के कप्तान के नाम पर अपने प्रशिक्षण परिसर का नाम रखा है कुछ नहीं है बस याद रखना मैसी के नाम पर हाल ही में नाम रखा गया और कुछ भी इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है चलो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन अर्जेंटीना की कैपिटल नहीं बताई मुझे किसी ने भी अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है एक आध क्वेश्चन तो छाप दिया करो कभी कभी है ना आज ना हमारे फोन को ना बीमारी लग गई है कुछ खोल रहे हैं कुछ खुल रहा है चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस नई दिल्ली में टेलीविजन लिमिटेड ठीक है यानी एनडीटीवी किसकी बात हो रही NDTV, है एनडीटीवी है ना एनडीटीवी की हम बात कर रहे हैं एनडीटीवी ठीक है के गैर कार्यकारी अध्यक्ष और अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है ठीक है ये बताना है गैर कार्यकारी अध्यक्ष और अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो क्लास इसका आंसर करो आप लोग ठीक है चलो ओके ओके मेरा ठीक है ओके चलो आंसर अगले क्वेश्चन का करो मेरा ठीक है एक क्वेश्चन गलत सही करके ना ये समझते हो कि पता नहीं कौन से तीस मार्क बन गए हो है चलो तो ये किसको नियुक्त किया गया है यू के सिन्हा सिन्हा को है ना यू के सिन्हा को कहाँ टेलीविजन लिमिटेड यानी एनडी टी वी का क्या किया गया इस यहाँ पे अध्यक्ष नियुक्त किया गया निदेशक और यहाँ पे अध्यक्ष ठीक है तो ये चीज़ आपको याद रखनी है ओके ये चीज क्लास याद रखेगी बहुत अच्छे से चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस हम थोड़ा सा यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे गाइस हम बात करते हैं यहाँ पे ओके हाँ ठीक है अगला क्वेश्चन देखेंगे ठीक है इसके बारे में थोड़ा सा अंदर डिटेल में देखते हैं भारतीय प्रतिपूर्ति और विनिमय बोर्ड सेवी अच्छा सेबी की स्थापना कब होती है ध्यान रखेंगे सेबी की स्थापना तो होती है गैस हम बात करें तो 1988 में ठीक है 88 में अब कहोगे मैडम जी पगला गई पगला ही नहीं है किस एक्ट के तहत होती है तो गैस एक्ट होता है 1992 का एक्ट होता है ठीक है इसके तहत लेकिन ये पूरी तरीके से कार्य करना कब शुरू होता है यानी लागू है ना हम कहें लागू कब होता है तो लागू भी ये कब होता है नाइनटीन ठीक है 1992 में लागू होता है इसीलिए यहीं पे बच्चे याद रखते हैं कि सेबी की स्थापना कब हुई है उन्नीस में हुई है ठीक है लेकिन 88 में इसकी स्थापना होती है 88 में ध्यान रखेंगे ठीक है उन्नीस के एक्ट के तहत ये जो है इसे संविधानिक दर्जा हम कह दें कि संविधानिक दर्जा मिलता है इसे इस एक्ट के तहत ठीक है संविधानिक दर्जा तो यहीं से फिर ये क्या है पूरे तरीके से कार्य करना स्टार्ट करती है लागू होती है तो इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है तो भैया यहाँ पे एनडीटी के हाल ही में है ना यहाँ पे गैर कार्यकारी अध्यक्ष और अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है इनको तो आप याद रख लेंगे चलो ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का क्लास आंसर करेगी चलो देखते हैं गैस किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने तीस सेकंड में दूध में मिलावट की जांच करने के लिए एक सस्ता और पोर्टेबल उपकरण विकसित किया ठीक है एक सस्ता और पोर्टेबल उपकरण विकसित किया ये मेरी क्लास आंसर कर दे ठीक है जल्दी से ये आंसर करके बताओ। ओके हाँ उन्नीस सौ बिल्कुल सही है मैम ये पहले भी हुआ है नहीं बिल्कुल नहीं कहाँ से पहले हुआ है कल का करंट का क्वेश्चन है कहाँ से पहले हो गया भाई है कहाँ से हुआ है वैसे ही वैसे ही मिर्गी आ रही है सोते सोते मिर्गी आ रही है तो क्या होगा आंसर होगा आईआईटी मद्रास ठीक है आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने 30 सेकंड में देखो 30 सेकंड में दूध में मिलावट की जांच करने के लिए एक सस्ता और पोर्टेबल उपकरण विकसित किया है तो किसने भाई आईआईटी मद्रास ने किया है तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है तो इस पर स्टार लगा लेगी क्लास ठीक है भाई सेशन को शेयर करते जाओ बच्चे है ना सावित्री कह रही हैं बी कुलदीप कह रहे हैं बी बिल्कुल सही बिल्कुल बिल्कुल सही है यहाँ पे क्या होगा भाई बी ही होगा आई मद्रास ठीक है तो ये चीज़ आपको याद रखनी है तीस सेकंड में सोचो तीस सेकंड में दूध में मिलावट है या नहीं है है ना इसका पता लगाने के लिए अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं देखो यह है डिवाइस जो है डिटर्जेंट साबुन हाइड्रोजन है ना पैराऑक्साइड यूरिया स्टार्च नमक और सोडियम हाइड्रो हाइड्रोजन कार्बोनेट जैसे विभिन्न सामान्य रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले मिलावटी एजेंटों का पता लगा सकता है कि मतलब क्या क्या चीज़ यहाँ पे मिलावट की गई है अच्छा गाइस एक चीज़ मैं आपको बताऊँ देखो गांव में मैंने देखा जब मैं गांव में गई तो वहाँ पे मैंने थोड़ा सा ग्रामीण लोगों की ट्रिक देखी आप यकीन नहीं करोगे कि मैडम क्या कह रही हैं लोग क्या करते थे भाई जो डिटर्जेंट होता है ना सरफ़ सर्फ जिससे हम कपड़े धोते हैं सर्फ से टाइड वगैरह ऐसे सर्फ है ना हालांकि वो टाइड तो यूज़ नहीं करते तब महंगा थोड़ी डालेंगे उसमें घड़ी खरीद के लाते हैं घड़ी सस्ते सस्ते सर्फ ठीक है गाँव में घड़ी वड़ी सर्फ ज़्यादा चलते हैं तो गाइस वो क्या करते थे जो दूधिया होते थे दूध लेने के लिए दूधिया वगैरह आते हैं ना गाँव में वो या फिर ऐसे घर पर जैसे जिनके यहाँ कई भैंसें हैं है ना पाँच छः सात आठ भैंसें हैं तो वो डेयरी में दूध ले जा रहे हैं तो पता है क्या करते थे वो लोग बाल्टी में ऐसे करके सर्फ घोला खूब सर्फ घोल के बाल्टी में और उसमें दूध पलट देते थे अब सोचो कितना हानिकारक है वो हम लोगों की हेल्थ के लिए वो दूध मार्केट में आ रहा है और हम लोग पी रहे हैं अब कहोगे कि मैडम पगला गई हैं वो वाला दूध ऐसे क्यों करेंगे इसलिए करते थे अगर सर्फ़ वगैरह मिला दिया जाता है ना दूध में तो उससे क्या है ना वो दूध बिना गर्म किए हुए फटेगा नहीं दूध जैसे आपने देखा होगा कि बिना गर्म किया हुआ दूध कच्चा दूध जल्दी फट जाता है फटेगा नहीं शाम तक है ना वो चलता है आराम से ठीक है आराम से वो दस बारह घंटे काट देता है सर्फ मिलाकर उस दूसरी चीज़ दूसरी चीज़ जैसे रीडिंग करी जाती है ना वहाँ पर फैट फैट निकाली जाती है ना दूध की एक मशीन द्वारा उसमें क्या है ना उसमें बहुत ज़्यादा उसमें वो गाढ़ापन दिखाएगा दूध में गाढ़ापन है ना रीडिंग अच्छी आएगी भाई ये वाले कांड गांव में मैंने लोगों के देखे स्टडी लवर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग है ना तो ये वाले कांड गांव में देखे मैंने लगता है मैम सवेरा हो रहा है लोगों का जग रहे हाँ बिल्कुल धीरे धीरे जग जग के आ रहे हैं ठीक है थीके? तो दूध में मिलावट खासकर भारत पाकिस्तान चीन और ब्राज़ील जैसे विकासशील देशों में चिंता का विषय है तो भैया बहुत ज़्यादा दूध में मिलावट होती है इन देशों में बहुत ज़्यादा है ना मैंने तो अपने भारत में ही ये चीज़ देखी है बहुत ज़्यादा चलो भारत क्या मैंने अपने गांव की बात बता रही हूँ भाई इतना ज़्यादा दूध में मिलावट कर दी जाती है मिलावट छोड़ो यार अगर आप पानी मिलाओ तो समझ में आता है आप डिटर्जेंट मिला रहे हो दूध में सोचो फैट देने के लिए उसमें ऐसे से ऐसे घोला डिटर्जेंट और उसमें दूध पलट दिया भर के चलो देखते हैं गाइस उत्तराखंड के शहर में उत्तराखंड के किस शहर में 28 मार्च से 30 मार्च तक राज्य के पहले जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन की शुरुआत की गई ठीक है तो राज्य के पहले जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन की शुरुआत उत्तराखंड के किस राज्य में की गई तो क्लास ये आप आंसर करेंगे है ना चलो बात करते हैं गाइस हम यहाँ पे उत्तराखंड की है, है ना सभी को पता है उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है उत्तराखंड कैसा है एक पहाड़ी राज्य है गाइस यहाँ पे कुछ दर्रे हैं है ना जैसे हम बात करें कि मानाला ठीक है <coughs> मानाला ठीक है नीति ला, ला दर्रा ठीक है एक है लिपु लेख लिपु लेख माना नीति लिपु है ना और कोई दर्रा याद आ रहा है तो गाइस ये कुछ यहाँ पे दर्रे हैं याद रखेंगे दर्रे ठीक है कुछ दर्रे हैं यहाँ पे तो इन्हें याद रखेंगे आप और हम बात करेंगे गाइस यहाँ पे जैसे हमारी गंगा ठीक है गंगा यमुना ठीक है गंगा यमुना जो नदियां हैं गाइस गंगोत्री और यमुनोत्री है ना गंगोत्री और यमुनोत्री दो ग्लेशियर से निकलती हैं तो ये भी आपको याद रखना है गाइस यहां पे हम बात करें भारत का पहला है ना भारत का पहला भारत का पहला नेशनल पार्क है ना नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान है ना कौन सा है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा था कौन सा था जिसको हेली नेशनल पार्क कहा गया था है ना? कौन सा था भाई जिम कार्वेट है ना जिम कार्वेट जिम कार्वेट राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है उत्तराखंड में है इसका पुराना नाम क्या था हेली नेशनल पार्क हेली नेशनल पार्क ठीक है अभी प्रेजेंट में इसका नाम क्या है भाई अभी प्रेजेंट में क्योंकि ये एक नदी पर है ठीक है ये एक नदी पर है कौन सी है रामगंगा है ना रामगंगा नदी पर बना हुआ है तो अभी प्रेजेंट में क्या है रामगंगा Park, नेशनल पार्क ठीक है रामगंगा नेशनल पार्क अभी प्रेजेंट में इसका नाम रख दिया गया तो भई इसके थोड़े से नाम याद रखेंगे स्थापित कब हुआ था भारत का पहला है तो 1936 में ठीक है 1936 में इसकी स्थापना हुई थी है ना आगे चल के एक व्यक्ति है जिम कार्वेट नाम के उनके नाम पर इनका नाम रख दिया गया गुड मॉर्निंग वाजल वेरी गुड मॉर्निंग वेरी वेरी गुड मॉर्निंग चलो ओके ओके okay, देखते हैं क्लास आंसर क्या करी थी सी है ना हल्द्वानी हल्द्वानी आ रहा था भाई क्या होगा रामनगर होगा मसूरी हल्द्वानी ये आ रहा है है ना घूमने वाली जगह बता दो आप मसूरी है ना कुल्लू मनाली मसूरी ऐसी जगह बताओ चलो क्या होगा भाई रामनगर होगा ठीक है आंसर क्या होगा रामनगर तो जी ट्वेंटी सम्मेलन की शुरुआत कहाँ पर की गई है रामनगर में की गई है अब मैं यहाँ पर चर्चा करूंगी भाई जी ट्वेंटी की है ना जी ट्वेंटी के बारे में क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई पूछ लिया जाता है क्वेश्चन तो देखो जी ट्वेंटी जी ट्वेंटी की अध्यक्षता की बच्चे हम बात करें अध्यक्षता है ना कौन कर रहा है इस बार हमारा भारत कर रहा है कौन कर रहा है भारत के पास है भाई जी ट्वेंटी की 2023 की अध्यक्षता है ना ये चीज याद रखनी है किससे ली थी भारत ने तो इंडोनेशिया इंडोनेशिया ठीक है इंडोनेशिया ने भारत को क्या दी थी गई अध्यक्षता दी थी अब यहां पे ध्यान रखना है इंडोनेशिया में कौन सा सत्रवे नंबर का हुआ था जी ठीक है अभी दो में जो भारत में हो रहा है भाई अठारहवें नंबर का है ठीक है ये चीज याद रखनी अच्छा मुझे ये बताओ उन्नीसवें नंबर का यानी दो का जी ट्वेंटी होगा क्लास में कोई बता सकता है ओके स्टडी लवर मैं मॉर्निंग में साढ़े तीन से जाग रहा हूं बट मोबाइल चार्ज नहीं था ओके ओके स्टडी लवर चलो कोई बात नहीं क्लास में आ जाए करो टाइम से ठीक है तो गाइस जी ट्वेंटी की बात करें गाइस भारत को अध्यक्षता कब मिलती है जी ट्वेंटी की तो इंडोनेशिया द्वारा दी जाती है गाइस कब तो ये दी जाती है एक दिसंबर ठीक है एक दिसंबर 2022 को अध्यक्षता भारत को दे दी जाती है और कब तक रहेगी तो भैया ये रहेगी तीस नवम्बर ठीक है तीस नवम्बर ठीक है दो तक भारत के पास ये अध्यक्षता रहेगी ठीक है तो ये चीज आपको याद रखनी है ठीक है नवंबर तक रहेगी तो ये चीज बहुत अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि डेट से क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ लिए जाते हैं ओके चलो अब जी ट्वेंटी की जगह जगह यहाँ पे हो रही है ओके मुझे कोई बता सकता है चौबीस दो हजार चौबीस का जी ट्वेंटी कहां होने वाला है है ना कहाँ होगा चलो ये आपका क्वेश्चन है आपको बताना ये है। देखते हैं उत्तराखंड के नैनीताल जिले में रामनगर अट्ठाईस मार्च से रडर का मतलब समझ गए ना इतना डेट कभी नहीं पूछी जाएगी इसीलिए लिए यहाँ पर रडर करके निकल जाए है ना यहाँ पे पहला जो है जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करने के लिए उत्तराखंड यहाँ पे तैयार हो गया है है ना उसकी मेजबानी कर रहा है बस कुछ नहीं है हमने बता चुके हैं जी के बारे में सब कुछ बता चुके हैं ठीक है ओके जी का कोई हेड क्वार्टर वगैरह कुछ नहीं होता है क्योंकि जी का भाई हेडक्वाटर भी वही है है ना जो हेडक्वार्टर भी जी ट्वेंटी का भाई जिस देश में जिस देश में इसकी वो होती है जो देश अध्यक्ष अध्यक्षता करता है भाई वहीं इसका मुख्यालय बन जाता है ना तो बस ये याद रखना है कि जी ट्वेंटी का कोई भी ऐसा अपना पर्सनल मुख्यालय नहीं है ठीक है ये चीज़ आप याद रखेंगे चलो ओके okay. ओके okay. चलो अगले क्वेश्चन का आंसर करें अच्छा मुझे किसी ने भी नहीं बताया कि 2024 में जी ट्वेंटी कहां हो रहा है ना किसी ने भी नहीं बताया मतलब मैं क्या समझू मेरी क्लास पूरी की पूरी क्लास क्या है एकदम से मतलब किसी को कुछ नहीं आता है जल्दी से मुझे बताओ जी ट्वेंटी के अगला जो है कौन अध्यक्षता करेगा ठीक है ओके चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गेट वे ऑफ इंडिया ठीक है गेट वे ऑफ इंडिया या एलिफेंटा की गुफाओं तक तैरने वाले क्या तैरने वाले तैराक की बात हो रही पहले व्यक्ति कौन बन गए भाई जो गेटवे ऑफ इंडिया है वहाँ से एलिफेंटा की गुफाओं तक यानी एलिफेंटा द्वीप की बात हो रही है एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ है, है भाई एलिफेंटा द्वीप पर एली एलिफेंटा द्वीप है ना गेट वे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा द्वीप तक तैरने वाला पहला व्यक्ति कौन बन गया है तो ये एक लास्ट को आंसर करना है चलो ओके सी है ना राम कह रहे हैं 2022 इंडोनेशिया 2023 इंडिया 2024 ब्राज़ील वेरी गुड कहाँ होगा 2024 का ब्राजील में होगा है ना अच्छा कुलदीप ने भी ब्राज़ील आंसर किया है ओके चलो ओके गुड मॉर्निंग यादव शुभम वेरी गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग चलो अंकित कह रहे हैं सी

है मुंबई यानी महाराष्ट्र महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई इसकी कैपिटल है मुंबई ये सभी को पता है ठीक है और फिल्म सिटी भी कहा जाता है मुंबई को ये सभी को पता है ना मुंबई किस द्वीप पे बसी हुई है ये कोई बता सकता है मुंबई किस आइलैंड के ऊपर बसी हुई है ये मुझे कोई बता सकता है किस आइलैंड या किस द्वीप पर मुंबई बसी हुई है चलो चलते हैं आगे ओके कृष्ण प्रकाश ठीक है इन्हें आयरन मैन आयरन मैन भी कहा जाता है इन्हें गेट ऑफ इंडिया है ना गेट ऑफ इंडिया से और एलिफेंटा की गुफाओं तक तैर कर जो है पहले व्यक्ति बन गए हैं रिकॉर्ड बनाया है इसको बस याद रखना है किसको आपको यहाँ पे कृष्ण प्रकाश को ठीक है बस और इसके बारे में कुछ भी नहीं याद रखना है कुछ भी नहीं याद रखना है है ना क्योंकि फालतू चीजें याद रखने की कोई जरूरत नहीं है ओके बिल्कुल देखो हाँ बिल्कुल सही है यहां मुंबई बना उन्नीस में है ना चलो बिल्कुल सही ये क्या है जब 1911 में गए जब दरबार होता है दिल्ली दरबार है ना तो यहाँ पे क्या होता है गाइस उस समय कौन आ रहे थे जो अंग्रेज ब्रिटिश कौन आ रहे थे यहाँ पे जॉर्ज पंचम है ना और महारानी कौन मैरी थी ना ये लोग आ रहे थे भारत तो इनके आने के उपलक्ष्य में अंग्रेजों ने बनवाया था इसको गेट ऑफ इंडिया को है ना ये चीज थोड़ा सा याद रख लेंगे चलो ओके ओके देखते हैं गाइस मैंने पूछा मुंबई किस आइलैंड पे है मुंबई किस आइलैंड पे है ये नहीं बताया किसी ने मुझे नामीविया से भारत लाए गए आठ चीतों में से एक की मृत्यु हो गई इसका नाम क्या था ठीक है तो भाई नामीविया नामीविया क्या है एक अफ्रीकी कंट्री है अफ्रीकी है ना अफ्रीका अफ्रीका से चीते लाए गए ये सभी को पता है अफ्रीका से ठीक है चीते लाए गए हैं कितने लाए गए थे है ना ये पिछले साल लाए गए थे कितने लाए गए थे आठ चीते ठीक है अभी इस साल है ना इस साल कितने चीते लाए गए हैं गाइस ठीक है इस साल कितने लाए गए हैं तो बारह चीते लाए गए हैं ठीक है थीके? ये भी याद रखना चीते यानी बारह टाइगर्स को लाया गया है अभी पिछले साल आठ लाए गए थे ठीक है तो इन आठ में से एक चीता है उसकी मृत्यु हो गई तो उसका नाम क्या है बिल्कुल सही है यहाँ पे जो भी सी कर रहे हैं साशा ठीक है शाशा, क्या नाम है भाई साशा देखो साशा क्या हुआ था गाइस जो आठ चीते पिछले साल लाए गए थे उनमें से ना सब चीतों को छोड़ दिया था जंगल में है ना कहां पे आप सभी को पता है कहां पे छोड़ा गया था कहा लाके छोड़े जाते हैं ये एमपी है ना मध्य प्रदेश का क्या है कूनो है ना कूनो नेशनल पार्क ठीक है कूनो नेशनल पार्क में इनको जो है छोड़ दिया गया था छोड़ने का मतलब है इनको वहाँ पर छोड़ दिया गया था कि अपनी आबादी बढ़ाने लगे चीते क्योंकि भारत से विलुप्त हो चुके थे ठीक है तो इन वैसे इनमें से दो बच्चे थे दो क्या है छोटे बच्चे थे एक शाशा है और एक और का नाम है ठीक है एक को मुझे नाम याद नहीं आ रहा दो बच्चे थे इनको अपने पास रख लिया था वैज्ञानिकों ने मतलब देख रेख में क्योंकि ये थोड़ी सी इनकी हेल्थ ठीक नहीं थी तो इसकी मृत्यु कैसे हुई है भाई अभी किडनी फेल होने की वजह से हुई है किडनी है ना कैसे हुई है इसकी मृत्यु किडनी फेल बताया गया है कि इसकी किडनी जो है फेल हो चुकी थी इसलिए इसकी मृत्यु हो गई ठीक है

सालसेट आइलैंड वेरी गुड मुंबई किसपे है साल आइलैंड पर है वेरी वेरी गुड आपको पता है जो साल आइलैंड है मतलब किसी इतने छोटे आइलैंड पे इतना बड़ा महानगर है ना स्थापित होना ये बहुत बड़ी बात है है ना ये भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कई बार पेपरों में पूछा गया है कि कौन सा महानगर सालसट आइलैंड पे है है ना तो ये चीज़ें आपको याद रखनी चलो चलो भी ऐसे चीतों के पहले जत्थे में भारत लाई गई साढ़े पाँच साल की शाशा है ना तो ये बच्चा ही था साढ़े पाँच साल की क्या है शाशा किडनी फेल होने की आ, आ, आशंका के कारण इसकी मौत हो गई मतलब कहा जा रहा है यहाँ पे कि इसकी किडनी फेल हुई है इसलिए इसकी मौत हो गई यह पिछले साल नामीबिया से भारत लाए गए आठ चीतों में से एक थी ठीक है आठ के पहले बैच के चार चीतों को है ना ग्यारह मार्च से पच्चीस मार्च के बीच जंगल में छोड़ दिया गया था शाशा और दो अन्य किस क्या क्या नाम है सियाया और सवाना <laughs> क्या नाम रखे ना चीतों के सोचो क्या प्यारे प्यारे नाम रखे हैं चलो अपने शिकार बाड़ों में बने रहे क्योंकि विशेषज्ञों ने जंगली जंगली में उनके जीवित रहने जंगल में उनके जीवित रहने की संभावना पर क्या है चिंता व्यक्त की थी कि हो सकता है या शायद ये जंगल में सर्वाइव ना कर सके है ना चलो बाद में देखो यहाँ पे ध्यान रखेंगे पिछले साल सत्रह सितंबर को प्रधानमंत्री ने अपने जन्मदिन के मौके पर नामीविया से आठ चीते और मंगाए थे ठीक है तो ये चीज़ आपको याद रखनी है ठीक है चलो ओके बारह चीते और लाए गए थे मतलब बारह पिछले साल आठ मंगाए गए थे और क्या है अभी अठारह फरवरी को बारह चीते लाए गए हैं ठीक है ये चीज़ आपको याद रखिए नामी व्यास और प्रोजेक्ट चीता के तहत प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जो कब चलाया गया था उन्नीस में ठीक है और कहाँ रखे गए हैं मध्य प्रदेश के कोनो नेशनल पार्क में इनको रखा गया है ठीक ओके बिल्कुल सही है प्रोजेक्ट टाइगर 1973 बिल्कुल एलिफेंट टाइगर एलिफेंट प्रोजेक्ट 1992 नाइनटी टू वेरी गुड ट्रिक ठीक है राइनो प्रोजेक्ट दो हजार ग्यारह बिल्कुल डॉल्फिन प्रोजेक्ट दो हज़ार नौ है ना दो हजार नौ से ही हमारी जो गंगेटिक डॉल्फिन डॉल्फिन उसको क्या है राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया जाता है, है ना ये चीजें याद रखेंगे चलो विश्व बैंक ने असम की ठीक है वर्ल्ड बैंक ने असम की बाढ़ प्रबंधन परियोजना के लिए कितने बिलियन डॉलर ऋण को मंजूरी दी ठीक है चलो अब ये बताओ जल्दी से कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब होती है ठीक है वर्ल्ड बैंक कब स्टैब्लिश होता है जल्दी जल्दी से बताओ हर क्वेश्चन पे क्वेश्चन भाई इसीलिए पूछते हैं ताकि आप जो मैं यहाँ पढ़ाती हूँ ना मैंने एक चीज देखी जो मैं यहाँ पढ़ाती आती हूँ ना आप लोग भूल जाते हो है ना बहुत सारी चीज़ें आप भूल जाते हो लेकिन जब आप खुद सोच के लिखोगे ना जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो आप कभी नहीं भूलोगे ठीक है जल्दी बताओ वर्ल्ड बैंक की स्थापना वर्ल्ड बैंक का हेड क्वार्टर जल्दी जल्दी से जो याद है उगल दो क्लास में चलो ओके शेयर क्लास प्लीज फ्रेंड हाँ भाई शेयर करते जाओ क्लास को है ना लाइक और शेयर करते जाओ चलो सावित्री कह रही है एक सौ आठ अंकित कह रहे हैं ए कुलदीप कह रहे ऐ मतलब मेरी क्लास कह रही है 108 मिलियन डॉलर है ना चलो विश्व बैंक ने अपने असम की बाढ़ प्रबंधन परियोजना के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी भाई सभी को पता है वर्ल्ड बैंक क्या है देशों को ऋण देता है, है ना देशों को क्या करता है इस वित्तीय सहायता जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो विकासशील देश हैं उनको ऋण प्रोवाइड कराता है ये तो सभी को पता ही होगा है ना तो भाई याद रखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा असम के बारे में याद रखना है असम ठीक है पहले तो आपका आंसर एकदम सही है एक मिलियन डॉलर गैस असम की बात करें आप सभी को पता है एक नॉर्थ ईस्ट का राज्य है है ना नॉर्थ ईस्ट का राज्य है असम है ना बाढ़ से प्रभावित रहता है बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा यहाँ बाढ़ आती है यहाँ पर कौन सी नदी है ब्रह्मपुत्रा है ना बिल्कुल सही है उन्नीस में ब्रिटेन वर्ड्स ठीक है ब्रिटेन वर्ड्स में क्या हुआ था कैसे इसकी स्थापना हुई थी यू में है ना तो याद रखेंगे विश्व बैंक की स्थापना कहाँ होती है भाई यू ठीक है यू के ब्रिटेन वर्ड्स में होती है तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कब होती है 1944 में होती है इसका हेड क्वार्टर भी कहाँ पर है यूएसए में ही है कहाँ पर वाशिंगटन डीसी है ना इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है वही वाशिंगटन डीसी में है ठीक है वाशिंगटन डीसी में इसका हेड क्वार्टर है ठीक है याद रखना है चलो गैस देखो आपका जो असम है ना बाढ़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहता है कौन सी नदी के कारण आती है ब्रह्मपुत्रा ठीक है ब्रह्मपुत्रा नदी के कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है याद रखना इसको और असम में कुछ मैंने आपको नेशनल पार्क वगैरह बताए थे फिर से सुन लो कौन सा है एक है ओरांग है ना ओरांग नेशनल पार्क असम में है ठीक है नेशनल पार्क ठीक है हम बात करेंगे इस काजीरंगा ठीक है काजी रंगा काजी रंगा नेशनल पार्क कहाँ है ये भी असम में है नेशनल पार्क ठीक है मानस हम बात करेगा इस मानस ठीक है मानस 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 नेशनल पार्क ये भी कहाँ पर है भाई ये भी असम में है तो ये चीज़ आपको याद रखनी है इस दुनिया का है ना विश्व का विश्व का सबसे बड़ा सबसे बड़ा है ना सबसे बड़ा नदी द्वीप की बात कर रही हूँ मैं नदी द्वीप है ना किस राज्य में है नदी द्वीप तो ये भी कहाँ पर है असम में ही है कहाँ पर असम है ना सबसे बड़ा नदी द्वीप असम में ही है किस नदी पर है तो भैया ये ब्रह्मपुत्रा है ना ब्रह्मपुत्रा नदी पर है ठीक है क्या नाम है इस द्वीप का द्वीप का नाम है मांजुली द्वीप ठीक है मांजुली मांजुली दीप मंजोलिका नहीं ध्यान रखना माजुली दीप है अभी कहने लग जाओ कौन मंजोलिका मंजुलिका कौन सी भूमि होती मंजोलिका है चलो गुड मॉर्निंग मनोज वेरी गुड मॉर्निंग चलो क्लास को शेयर करते जाओ भाई क्लास को शेयर करते जाएंगे सभी है ना लाइक और शेयर करते जाओ दो काम आपके होते हैं लाइक शेयर लाइक शेयर अरे कंजूस कंजूस बच्चे घुसे हुए हैं आंसू लाइक करना ही भूल गए हो हैं चलो एक जिसने भी लाइक नहीं किया प्यारा प्यारा से एक लाइक कर दो ठीक है और क्लास को शेयर करते जाओ ओके okay, ये मैं समझ सकती हूँ बहुत सारे बच्चे पता है मेरे को क्या बोलते हैं क्लास में है मैडम हम इसीलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करते हम बस आपकी क्लास में ध्यान देते हैं पढ़ने पे है ना वो चीज़ अच्छी है लेकिन लाइक करके निकल जाए करो चलो ओके okay. विश्व बैंक ने असम में आपदा प्रबंधन की तैयारी में सुधार और बाढ़ के पूर्वानुमान को बढ़ावा बढ़ाने ठीक है बढ़ाने में मदद करने के लिए 108 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है तो ये भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछ लिया जाएगा हाल ही में किस राज्य में बाढ़ के लिए वर्ल्ड बैंक ने 108 मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है मतलब 108 मिलियन डॉलर ऋण प्रदान किया है ठीक है तो ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा बन जाते हैं ठीक है ओके <coughs> okay, चलो असम में बाढ़ तो बहुत आती है मैं ये आपको बता ही चुकी हूँ बहुत ज्यादा बाढ़ आती है भाई असम में क्या हो गया इसमें ये इसको ना पता नहीं कौन सी बीच बीच मिर्गी चढ़ जाती है बोर्ड को अपने आप भटकता रहता है अगला क्वेश्चन है इस कर्नाटक के मुख्यमंत्री क्या नाम है बसवराज ठीक है बसवराज बुम्बई ने नंदी हिल्स पर कितने किलोमीटर लंबी रेलवे परियोजना की आधारशिला रखी है तो कर्नाटक की बात हो रही है इस कर्नाटक के जो सीएम है कौन है बसवराज बुम्बई ठीक है इन्होंने जो नंदी हिल्स है नंदी हिल्स पर कितने किलोमीटर की रोप वे परियोजना की आधारशिला रखी है अब यहाँ पे रोप वे बताते हैं क्लास आपको रोप वे क्या होता है ना ओके चलो ओके okay. चलो हम <laughs> मनोज कह रहे हैं इतनी ब्यूटीफुल है मैम लाइक कर दिया करो हद हो गई चलो गुड मॉर्निंग हाइड्रोजन वेरी गुड मॉर्निंग अरे कहाँ हाँ गुड मॉर्निंग चलो ओके okay. हाइड्रोजन हाइड्रोजन भाई हाइड्रोजन नाम रखने का हमें तुम्हारा रीज़न नहीं समझ में आया चलो मैम आपका खून कौन पिया अरे मैम आपका खून कौन पिया क्या पूछ रहे हो ओके okay, चलो ठीक है तो कैसे यहाँ पर रोप वे का मतलब बता दे देखो मान लो दो पहाड़ी है है ना दो पहाड़ी इनके बीच में आपने देखा होगा जो भी हिल एरियाज होते हैं जहाँ पे हम जाते हैं तो ऐसे करके एक तार होती है केबल होती है, है ना उस पर क्या है ट्रॉली है ना इस तरीके से जो ट्रॉली होती है आपने देखा होगा इस कोने से है ना इस कोने पर ट्रॉली जाती है तो इसी को रोप वे कहते हैं ये क्या होता है गा हिल एरियाज में होता है मान लो मान लो इस पहाड़ी पर कोई मंदिर है इस पहाड़ी पर कोई मंदिर है है ना कोई मंदिर है और यहाँ पे कोई टूरिस्ट प्लेस है तो भैया टूरिस्ट आएंगे उनको इस मंदिर पे जाना है अब वो रोड के एरिया से जाएंगे तो बहुत लंबा पड़ेगा रोड के एरिया से जाएंगे तो बहुत लंबा पड़ेगा तो इसीलिए रोप वे जो है परियोजना चलाई जाती है कि यहां से डायरेक्ट आप ट्रॉली के जरिए क्या है इस मंदिर पे पहुंच सकते हो है ना तो उससे क्या है आपका टाइम बहुत बचत होगी है ना और आपको मजा भी आएगा भाई ट्रॉली में कितना मजा आता है ना ये सभी को पता है मजा भी आएगा टाइम की बचत होगी चलो हाँ बिल्कुल हिल्स में ज्यादा पाई जाती हैं रोप वे प्रोजेक्ट ठीक है ओके चलो देखते हैं यहाँ पर टू पॉइंट ठीक है 2.93 किलोमीटर ठीक है 2.93 किलोमीटर है ये रोपवे परियोजना पूछ लिया जाएगा हाल ही में कहां पर रोपवे परियोजना की आधारशिला रखी गई है तो कहां कर्नाटक में रखी गई है ठीक है याद रखना है टू नाइन थ्री किलोमीटर है ठीक है ये चीज याद रखना है कभी कभी लंबाई से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कैसे बात करें हम आपके कर्नाटक की है ना बात करते हैं बच्चा पार्टी कर्नाटक की तो कर्नाटक कुछ चीजों के उत्पादन में बहुत इंपॉर्टेंट है देखो एक तो पहली बार तो यहाँ पे कैगा है ना क्या है कैगा कैगा क्या है यहाँ पे परमाणु संयंत्र है ठीक है परमाणु संयंत्र केगा परमाणु संयंत्र यहीं पर है हम बात करेंगे इस कर्नाटक के नृत्यों की है ना तो यहाँ पे एक नृत्य बहुत फेमस है यक्षगान है ना यक्षगान ठीक है यक्षगान जो है नृत्य है गान लगा है तो गाना नहीं है ध्यान रखना नृत्य है बहुत फेमस है कर्नाटक का ठीक है कर्नाटक हम बात करते हैं गाइस ये किसके उत्पादन में नंबर वन है तो याद रखेंगे किसके कॉफी है ना कॉफ़ी उत्पादन में नंबर वन ठीक है सूरजमुखी सूरजमुखी उत्पादन में नंबर वन है ना हम बात करते हैं गाइस गोल्ड गोल्ड माइंस कहाँ पर है गोल्ड सबसे ज्यादा कहीं कहाँ पाया जाता है यहीं पर है ना तो यहाँ पे याद रखेंगे गाइस गोल्ड है ना गोल्ड सबसे ज्यादा यहीं है हम बात करें रेशम है ना रेशम उत्पादन है ना तो ये बहुत सारी चीज़ों में कर्नाटक जो है नंबर वन है इसकी कैपिटल क्या है भाई कर्नाटक की कैपिटल क्या है बंगलुरु ठीक है कैपिटल क्या है भाई बंगलुरु है तो आपको याद रखना है कर्नाटक के बारे में चीजें ओके मैडम आज आपने लिपस्टिक नहीं लगाया क्या फेस पे इतनी ग्रेस नहीं दिख रही है आ, आदे, आदे, आदे। चलो क्या बच्चे क्या बच्चे चलो ओके बिल्कुल कर्नाटक की कैपिटल जो है बंगलुरु है ओके ओके चलो सचन को लाइक और शेयर करते हो न लाइक को कोई ना पूछेगा तुमसे कि मैडम की तुम्हारी की लिपस्टिक कैसे कलर की थी तो भाई कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है वसवराज बुम्बई है ठीक है परियोजना के बारे में हम देख चुके हैं रोप वे जो कि टू किलोमीटर है ठीक है कहाँ पर है नंदी हिल्स में ओके ये चीज़ आपको याद रखनी है अच्छा ये मुझे बताओ एक क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ मैंने आपको बताया कॉफी उत्पादन में कर्नाटक नंबर वन है ठीक है स पहाड़ी पे सबसे पहले कॉफी उगाई गई थी और किस देश से भारत में सबसे पहले कॉफी लाई गई थी कोई मुझे बता सकता है किस देश से पहली बार भारत में कॉफ़ी लाई गई और किस पहाड़ी पर उगाई गई ये कोई बता सकता है ठीक है अगर ये मुझे बता देंगे तो भाई मान जाएगी कि हाँ हमारे जो है बच्चे पढ़ते हैं ठीक है तो एक हजार लोगों को ले जाने की क्षमता रखती है यूरोप पे परियोजना यूरोप पे आपकी चलो ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन चलो हाँ अरे यार लाइक कर दो सबको इवैम को है ना भाई लाइक करो लाइक करो लाइक करो, करो नीलगिरी नहीं मैंने हिल्स पूछा है यहाँ पे हिल पूछा है देखो एक यहाँ पे है कौन सी हिल है यहाँ पे एक पहाड़ी है ठीक है कौन सी है बाबा बूदन ठीक है कॉफ़ी अगर मैं बात करूँगा एस कॉफ़ी है ना कॉफ़ी पहली बार लाई कहाँ से गई थी तो ये ब्राज़ील से ठीक है कहाँ से लाई गई थी बच्चे ब्राजील से लाई गई थी एक व्यक्ति थे क्या नाम था उनका बाबा बूदन ठीक है बाबा बूधन अब ये मैं पगला नहीं गई हूँ ये क्वेश्चन पूछा गया है है ना और ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है आपका भैया ये क्वेश्चन यू पी और आपके यू पी में पूछा गया क्वेश्चन है ठीक है तो बाबा बुधन नाम के एक व्यक्ति थे गाइस ये व्यक्ति लेकर आए थे तो बाबा बुधन इन्हीं के नाम पर इन्होंने क्या है कर्नाटक में एक पहाड़ी पर जाके एक कॉफ़ी का पौधा लगा दिया है ना वहीं से क्या है कॉफ़ी की स्टार्ट हो गई कॉफ़ी पैदा होना शुरू हो गई तो पहली बार जो कॉफ़ी का पौधा लगाया था उन्होंने बाबा बुधन नाम की पहाड़ी पर लगाया था तो इन्हीं के नाम पर जो है बाबा बुदन पहाड़ी ठीक है

ठीक है ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागों को फजेंडा कहा जाता है ना इससे पता चलता है कि भैया क्लास डीप पढ़ाई करती है चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अर्चना सुशींदर ने ठीक है अर्चना सुशींदर ने ठीक है ए एफ आई इंडियन ग्रैंड प्री सेकंड में 100 मीटर के फाइनल में किस खिलाड़ी को हराकर स्वर्ण पदक जीता है तो भाई मेरी क्लास ने पहले ही क्वेश्चन करना शुरू कर दिया है ना चलो ओके okay, आंटी चीटिंग कर रही है भाई आंटी कौन है क्लास में मुझे नहीं समझ में आया किसको आंटी बोलते हो आप लोग चलो बिल्कुल ओके विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी भी कौन उत्पादित करता है ब्राजील ही करता है ना फजेंडा ब्राजील में कॉफी के बागों को कहा जाता है ओके चलो ओके अच्छा मुझे ये बताओ वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है ना वर्ल्ड में अगर मैं पूछूं सबसे ज्यादा मक्का कौन उत्पादित करता है कोई बताएगा मक्का कहाँ उत्पादित होता है ठीक है तो क्या होगा भाई हिमादास है ना हिमादास एकदम सही है गोल्ड है ना हिमादास को हरा कर जीता है हिमादास को क्या कहते हैं भाई ढिंग एक्सप्रेस है, है ना ये तो सभी ने पढ़ा हुआ इनको क्या कहा जाता है किस उपनाम से इनको जाना जाता है ढिंग एक्सप्रेस ठीक है ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है हिमा दास को ये चीज आपको याद रखनी है है ना भाई देखो क्लास को शेयर करा करो बच्चे है ना क्लास को थोड़ा शेयर वेयर कर दिया करो ताकि और भी आपके दोस्त लोग आ सके है ना ठीक है चलो ओके तो यहाँ पे कुछ नहीं है यहाँ तिरुवनंतपुरम में ये हुआ है ठीक है आपकी जो ये प्रतियोगिता है कहाँ तिरुवनंतपुरम अब तिरुवनंतपुरम क्या किसका है इस ये केरल की कैपिटल है है ना केरल केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम तो ये चीज़ आपको याद रखना है ठीक है चलो और कुछ इसके बारे में याद नहीं रखना है बस उनके उसी का याद रखना है किसको हरा कर है ना और किसने जीता है गोल्ड ओके ओके यूएस अमेरिका बिल्कुल वेरी गुड वेरी गुड है ना तो क्या है अमेरिका वेरी गुड यहाँ पे यादव शुभम कह रहे हैं अमेरिका स्टडी लवर कह रहे हैं अमेरिका ओके है ना बिल्कुल सही है भाई यहाँ पे चलो कुलदीप तो लगे पड़े हैं कि नहीं सीमा डियर है ना इतने प्यार से सीमा डियर है लड़की देखी नहीं क्लास में के बस निकल लिए पीछे चलो अर्जेंटीना के लिए सोवा अंतर्राष्ट्रीय गोल किसने किया ठीक है तो अर्जेंटीना के लिए भाई सोवा अंतर्राष्ट्रीय गोल किसने किया है ये मेरी क्लास आंसर कर देगी ओके चलो मैसी 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 हाइड्रोजन ने इतने सारे कॉपी पेस्ट कर दिए हैं हाइड्रोजन पहले मुझे ये बता दो आपका नाम हाइड्रोजन किसने रखा है ना हाइड्रोजन नाम किसने रखा है आपका नाम ही सच्ची में हाइड्रोजन है या सिर्फ लिखा है हाइड्रोजन है पता है मुझे अरे मजाक कर रही हूँ देखो कैसे रूटने वाला ऐसे मतलब सैड वाला फेस मैडम सिस्टर को भी डियर ही कहते हैं पता है भाई सिस्टर क्या सबको बोल सकते हैं डियर मैं आप लोगों को डियर बोलती हूँ डियर क्या है प्यारा है ना मेरे प्यारे मेरे प्यारे प्यारे, प्यारे स्वीट स्वीट से स्टूडेंट है तो एकदम सही है जो भी लियोनेल मैसी कर रहे हैं एकदम सही है भाई ये सबसे ज्यादा गोल किए हैं अंतरराष्ट्रीय गोल किसने किया सोवा तो अर्जेंटीना के कौन है यहाँ पे लियोनेल मैसी ठीक है इन्होंने सोवा गोल किया है और बच्चा ये क्वेश्चन हो जाता है आपका इंपॉर्टेंट ठीक है ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट आप इस पर लगा लो भाई स्टार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा एग्जाम में ठीक है चलो ओके ओके कुछ नहीं है इसमें इन्होंने गोल किया है बस इतना ही याद रखना है ठीक है ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं चलो ओके अगला क्वेश्चन आते हैं दिव... तिब्बती आध्यात्मिक नेता क्या नाम है दलाई लामा ने कितने वर्षीय मंगोलियाई लड़के को बौद्ध धर्म के सर्वोच्च आध्यात्मिक नेताओं में से एक के रूप में मान्यता दी है ठीक है तो जल्दी से बताना है कैसे मंगोलियाई लड़के को बौद्ध धर्म के सर्वोच्च आध्यात्मिक नेताओं में से एक को मान्यता दी है कैश जो दलाई लामा है ना जो तिब्बती नेता हुआ करते थे दलाई लामा दलाई लामा जो व्यक्ति हुआ करता है गैस उसको ये एक पद है दलाई लामा ये किसी का एक पर्टिकुलर नाम नहीं है एक पद है है ना कहा जाता है जो बौद्धि सत्व था है ना जो बौद्ध के अवतार हैं मतलब कहा जाता है कि जो बौद्धि सत्व में जो बौद्ध का अवतार चल रहा है इन्होंने निर्वाण की प्राप्ति नहीं की ये क्या है गाइस यहाँ पे ये लोगों के कल्याण के लिए बार बार आते हैं इनका पुनर्जन्म होता है और लोगों के कल्याण के लिए यहीं पर ये दलाई लामा लामा के नाम से जो है अपना जीवन यापन करते हैं ठीक है ठीके? तो ये चीज़ यहाँ पे कही गई है ठीक तो दलाई लामा और दलाई लामा आपको पता ही है दलाई लामा चाइना ने जब दल, इन पे तिब्बत पे आक्रमण कर दिया था तो दलाई लामा क्या है भारत में आके रहने लगे थे भारत में है ना तो ये चीज़ आपको याद है भारत में आके इन्होंने शरण ली थी तो ये चीज़ भी याद रखना ठीक है अब हम बात करते हैं गाइस दलाई लामा दलाई लामा जो पद है है ना दलाई लामा हम पद की बात कर लें या दलाई लामा शब्द की बात कर लें ले कहां से निकल के आया तो ये मंगोलिया से ठीक है मंगोलिया से ही बनाया जाता है दलाई लामा नाम के व्यक्ति को तो ये चीज भी आपको याद रखनी है ठीक है ओके चलो आंसर करोगे आप लोग ओके गाइस हम बात करते हैं यहाँ पे है ना दलाई लामा पद की अगर हम बात करते हैं ये कब शुरू हुआ था ये चौदहवीं है ना चौदवी शताब्दी ठीक है दलाई लामा जो पद है ये चौदहवीं शताब्दी में स्टार्ट होता है ये चीज याद को रकनी, याद रखनी है दलाई लामा का मतलब क्या होता है बच्चा यहाँ पर क्या होता है, यहां पे मतलब होता है, है यहाँ पे मतलब होता है महासागर के शिक्षक है ना यहाँ पे मतलब होता है दलाई लामा का महासागर है ना ठीक है महासागर शिक्षक नाम होता है शिक्षक या गुरु है ना महासागर गुरु है ना नाम होता है भाई दलाई लामा के नाम का मतलब होता है ये छोटी छोटी सी चीज़ें आपको याद रख लेनी है ओके बिल्कुल है ना इनको उपाधि दे दी जाती है दलाई लामा और दलाई लामा के लिए जिस व्यक्ति को चुना जाता है वो ऐसे छोटे से किसी बच्चे को ही चुना जाता है ठीक है ये चीज़ याद रखनी छोटे बच्चे को ही चुना जाता है यहाँ पे जिसको दलाई लामा बनाया जाता है अभी हाल ही में आठ वर्ष के बच्चे को चुना गया है मंगोलियाई लड़के को बौद्ध धर्म के सर्वोच्च आध्यात्मिक नेताओं में से एक के रूप में अब क्या है अगले दलाई लामा इनको चुना गया क्योंकि अभी जो प्रेजेंट में दलाई लामा है भाई वो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो गए हैं सभी को पता है ना बहुत बुजुर्ग हो गए हैं तो उनकी कभी भी मृत्यु भी हो सकती है इसीलिए पहले ही चुन लिया जाता है इनको ठीक है चलो तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने अमेरिका में जन्मे ठीक है अमेरिका में जन्मे एक आठ वर्षीय मंगोलियाई लड़के को ठीक है मंगोलियाई लड़के को बौद्ध धर्म के सर्वोच्च आदि आध्यात्मिक नेताओं में से एक के रूप में मान्यता दी है ठीक है उन्हें तिब्बती बौद्ध धर्म के तीसरे सबसे महत्वपूर्ण नेता व दसवें ठीक है खलखा जेंट्स धम्पा है ना इनके कुछ शब्द हैं के रूप में इनको नामित किया है ठीक है तो बस ये है बौद्ध धर्म के तीसरे सब महत्वपूर्ण सबसे नेता के रूप में इनको मान्यता दी गई है दलाई लामा को ठीक है तो कुछ नहीं है दलाई लामा के बारे में बस इतना याद रखना है और आपको पता ही है तिब्बत के क्षेत्र में ये यहाँ से एक क्वेश्चन आपको बन सकता है क्योंकि यहाँ पर दलाई लामा चुने गए हैं तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो दलाई लामा है ना ये जो है कहाँ से आए थे है ना ये तिब्बती क्षेत्र के हैं यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन बन सकता है कि दलाई लामा ये किस धर्म को मानते हैं तो बौद्ध धर्म तो सभी को पता है लेकिन बौद्ध धर्म में भी किसको को बौद्ध सत्व को ठीक है बौद्ध सत्व को पूजने वाले हैं ये ये चीज़ आपको याद रखनी है ठीक है चलो मैम आप हाइएस्ट लगने के बाद मुझे तो अपना ड्राइवर रख लेना प्लीज चार पाँच हज़ार दे देना मैम चाहे बस ड्राइवर जरूर रखा <laughs> मैं जो मनोज सलून कह रहे हैं हद हो गई भाई हद हो गई क्या गया बच्चे हमारी क्लास के हद हो गई हद हो गई क्या बच्चे हैं हाँ बिल्कुल मैम बस मैम इतना ही बिल्कुल ड्राइवर ही क्यों भाई है ना हाँ ये बताओ भाई ड्राइवर ही क्यों है ना चलो तुमसे पूछ ही लिया जा रहा है एक मिनट रुक के कि ड्राइवर ही क्यों कुछ और भी बोल देते कि मैडम कुछ और भी कहीं पे कुछ बहुत सारे काम होते हैं ना अब मेरा तो क्या बोलते हैं पढ़ाने का भी काम है बोल देते कि मैडम कोई बात नहीं आपकी पीपीटी बना दूंगा या कुछ भी ड्राइवर ही क्यों ये मेरे को बताओ चलो देखते हैं गाइस हमारा स्टैटिक जीके का आपका पोर्शन आता है तो पूछा जा रहा है विश्व का ऐसा कौन सा देश है जो आज तक किसी का गुलाम नहीं रहा है तो भैया नेपाल है ना नेपाल आज तक किसी का गुलाम नहीं रहा है और सभी को पता है कि सबसे बड़ा हिंदू है ना सबसे बड़ा हिंदू देश कौन सा है तो नेपाल ही है नेपाल की हम कैपिटल की बात करें तो भैया कौन सी है काठमांडू है ना कैपिटल क्या है काठमांडू है नेपाल की ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है ओके नेपाल से ही निकलती है भाई नेपाल हिमालय है ना नेपाल हिमालय में ही हम बात करें नेपाल हिमालय में ही आपने सुना होगा विश्व का सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है कौन सी है माउंट एवरेस्ट कहाँ है नेपाल हिमालय में यहाँ पे ये यह याद रखना है का, इस माउंट एवरेस्ट जो है ठीक है माउंट एवरेस्ट ठीक है माउंट एवरेस्ट इसको नेपाल में क्या कहा जाता है तो इसको कहा जाता है नेपाल में सागर माथा सागर माथा ठीक है सागर माथा के नाम से जाना जाता है माउंट एवरेस्ट को कहाँ पर नेपाल में ठीक है तो ये चीज़ आपको याद रखनी नेपाल में सागर माथा कहते हैं माउंट एवरेस्ट को तो ये चीज़ याद रखनी है ओके नेपाल के बारे में चलो बंदर नहीं आया क्या आज और कैट कैट सी ए सी ई टी सी सी ए टी कर दिया है भाई यहाँ पे है ना कैट की सी ए टी होगा भाई है ना ओके मिल्क पिला दिया क्या कैट को बड़ी चिंता है भैया हमारी बिल्ली की चलो पुराना समाचार पत्र कौन सा है सो रही है अभी वो आराम से बेड पे आराम से सो रही है ऐसे फैल के बेड पे ही सोती है मेरे पास <laughs> तो वही जैसे बस होंगी ना कभी भी ऐसे नहीं होती कि ऐसे मुंह के पास सोए नहीं हमेशा पैरों के पास सोएगी पैरों के पास और उसकी आदत कैसी है कि जब तक तुम्हारी बॉडी को टच नहीं करेगी ना उसको नींद नहीं आती पैरों के पास सोएगी और अपनी पीठ है ना पीठ को लगा लेगी मेरी टांग से पैर से ऐसे करके रात में चाहे करवट कितना भी ले लो लेकिन वो चिपक जाती है पैरों से दोबारा ऐसे होती है वो चलो देखते हैं पुराना समाचार पत्र कौन सा है तो भाई सबसे पुराना समाचार पत्र जो है स्वीडन ऑफिशियल जर्नल जो कि 1645 में प्रकाशित हुआ था तो भाई पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे पुराना समाचार पत्र कौन सा है अखबार कौन सा है तो ध्यान रखेंगे स्वीडन ऑफिशियल जर्नल है ओके ये चीज याद रखनी है ओके ओके बेरोजगार है मैम कहीं भी रख लो चाहे <laughs> चलो हद हाँ हो गई कहाँ का, कहाँ से बच्चे आते हैं मुझे समझ में नहीं आता है चलो विश्व में ऐसा कौन सा देश है जहाँ के डाक टिकट पर उस देश का नाम नहीं होता तो भाई ग्रेट ब्रिटेन ठीक है ग्रेट ब्रिटेन एक ऐसा कंट्री है जहाँ के डाक टिकट पर उसका नाम नहीं होता ठीक है याद रखना है गैस ब्रिटेन की बात चल गई तो ब्रिटेन और भारत ठीक है यहाँ पर बात करूँ ब्रिटेन ठीक है ब्रिटेन और भारत इनके बीच में गाइस एक जो है नेवल एक्सरसाइज है ठीक है एक जो है नेवल एक्सरसाइज है कौन सी है भाई क्या नाम है इसका कोककण ठीक है कोककण ओके कोककण जो एक्सरसाइज है इन्हीं दोनों के बीच में का का क्या हो गया है ना क्या हो गया बेचारे का का वो भी पछतारा होगा कि किसके हाथ में हो है ना कोकण अभ्यास पूछ लिया जाता है अभ्यास किस-किस के बीच में है तो भारत और अर्जेंटीना के बीच में है ये चीज सॉरी अर्जेंटीना ब्रिटेन के बीच में है यूके ये चीज याद रखना है ओके चलो हाँ चलो चलो देखते हैं गाइस यहाँ पे विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है तो भाई कौन सी है अल मलविया ठीक है मलविया जो कि इराक में है याद रखना है वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो मस्जिद है कौन सी है मलविया है जो कि इराक में है ना चलो ओके और आंसर करते जाएंगे क्लास और आंसर करेंगे यहाँ पे विश्व का कौन विश्व का सॉरी विश्व का किस देश में विश्व के किस देश में कोई भी मंदिर मस्जिद नहीं है तो भैया कोई भी मंदिर मस्जिद ना हो ऐसा कौन सा देश है सऊदी अरब सोचो यहाँ के लोग पूजा पाठ कैसे करते होंगे कोई भी ना मंदिर है ना कोई मस्जिद है है ना सऊदी अरब कुछ नहीं करते इबादत करते हैं सिर्फ क्या करते हैं बच्चे इबादत करते हैं है, है ना इबादत करते हैं यहाँ के लोग कुछ नहीं है ना आपने देखा होगा मोमडन कंट्री है वैसे भी अरेबियन कंट्रीज क्या है आपकी मोमडन है तो मोमडन में तो वैसे भी मंदिर की ज़रूरत नहीं होती लेकिन मस्जिद भी नहीं है सोचो है ना तो ये सिर्फ और सिर्फ इबादत किया करते हैं चलो क्लास में क्या फाइट टाइप की हो रही है सावित्री आंटी तो गुस्सा ही क्या क्या क्लास में फाइट कर रहे हो चलो ओके चलो क्लास को एक प्यारा प्यारा सा भाई लाइक देते जाओ और शेयर करते जाओ है ना विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है तो भैया पैसिफिक सी विश्व का सबसे बड़ा महासागर है कितने महासागर हैं चलो लड़ाई कर ली हो तो ये बता दो हमारे क्या बोलते हैं विश्व में कितने महासागर है टोटल कितने महासागर हैं ये बता दो है ना पैसिफिक सी पैसिफिक सी सबसे बड़ा है भाई इसका सबसे गहरा, सबसे गहरा डीप जो स्थान है क्या नाम है उसका मैरियाना है ना मैरियाना ट्रेंच सभी ने सुना होगा तो मैरियाना ट्रेंच जो है सबसे पूरे पृथ्वी पर सबसे डीपेस्ट पॉइंट है सभी को पता है मैरियाना ट्रेंच है ना तो सबसे गहरा स्थान प्रशांत महासागर में ही है मैरियाना ट्रेंच ठीक है विश्व में सबसे बड़ी झील कौन सी है तो भैया सबसे बड़ी झील कौन सी है तो ये कैसपोयनसी ठीक है रूस में ठीक है झील है विश्व में सबसे बड़ी रूस में है अब यहां आपको बता दूंगा इस पूछ लिया है कि विश्व की मीठे पानी की है ना ठीक है विश्व की सबसे गहरी झील ठीक है सबसे गहरी गहरी ठीक है गहरी के साथ याद रखना गहरी मीठे पानी की झील मीठे पानी की झील <coughs> कौन सी है विश्व की सबसे गहरी और मीठे पानी की झील कौन सी है भाई ये कहाँ पर है तो ये भी रसिया में है रूस में है ना कहाँ पर है रूस में है क्या नाम है लेक बैकाल है ना? बैकाल झील बैकाल ठीक है बैकाल झील <coughs> सॉरी <coughs> बैकाल झील बच्चे एक मिनट <coughs> हम्म ओके okay, ठीक है बिल्कुल सही सुपीरियर कहाँ से हो गया सुपीरियर नहीं होगा राम मीठे पानी की सबसे बड़ी होगी है ना लेक सुपीरियर की हम बात करें आपको पता है ग्रेट लेक्स में आती है ठीक है ग्रेट लेक्स में आती है विश्व की सबसे बड़ी मीठा या ताजे पानी की झील है सुपीरियर ठीक है याद रखेंगे ताजे पानी की झील है सुपीरियर समझ पा रहे हो मैंने क्या बोला है मैंने बोला है रसिया में जो लेक बेकाल है ठीक है जो बेकाल लेक है बेकाल झील है ये क्या है मीठे पानी की सबसे गहरी झील है ठीक है अगर हम इसको ऐसे क्वेश्चन को बना दें कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है तो ये नहीं होगी ठीक है लेकिन अगर हम इसको ऐसे बनाएं कि विश्व की सबसे गहरी मीठे पानी की झील यानी ताजे पानी की झील यानी पीने वाले पानी की झील कौन सी है तो भाई कौन सी है बैकाल है ठीक है और सबसे बड़ी जो ताजे पानी की या मीठे पानी की झील कौन सी है लेक सुपीरियर है जो कहां पर है यूएसए है ना ये तो आपको पता ही होगा ठीक है तो दोनों में अंतर है दोनों में अंतर है बिल्कुल बेकाल रसिया बिल्कुल चलो ओके देखते हैं गाइस अगला हमारा क्या है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है तो भैया एशिया है एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा है सेकंड नंबर पे कौन सा महाद्वीप है कोई बताएगा है ना लास्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर पे कौन सा महाद्वीप है कोई भी बता सकता है क्लास में ओके ओके सेकंड नंबर पे कौन सा महाद्वीप है बच्चा पार्टी जल्दी बताओ ओके सेशन को भाई शेयर करते जाया करो सेशन को लाइक और शेयर करते जाए करो है ना पता नहीं क्यों मुझे समझ में नहीं आ रहा या तो मेरी टाइमिंग गलत है है ना या तो हमारी क्लास लेने की टाइमिंग गलत है पता नहीं क्यों बच्चे बढ़े ही नहीं रहे हैं क्लास में भाई रीजन बता सकते हो क्या रीजन है यूरोप देखो यादव शुभम कह रहे हैं यूरोप बिल्कुल नहीं एकदम सही यहाँ पे यूरोप कहाँ से होगा स्टडी लगर भी लवर भी कह रहे हैं यूरोप यूरोप कर दिया है भाई बताओ चलो ये क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे अब है ना इतना मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आप लोग इतना ज्यादा गलतियां कैसे कर सकते हो जल्दी बताओ एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया है दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है जल्दी से बताओ मुझे ओके सात महाद्वीप है ना हमारे क्या कोई ने क्रम से लगा सकता है क्लास में कोई भी क्रम से लगा जाए तो भैया मान जाएंगे एक बार कोई क्रम से लगा के दिखा दो है ना चलो आप क्रम से लगाओ जब तक हम थोड़ा सा आगे चलते हैं ठीक है क्रम से लगा के दिखा दो तो हम मान जाएंगे कि हाँ सातों महाद्वीप किसी बच्चे ने क्रम से लगा दिए हैं उसी को आज मेरी क्लास का चाणक्य यानी कौटिल्य की उपाधि मेरी तरफ से है ना वही मेरी क्लास का चाणक्य होगा जिसका मुझे क्वेश्चन सबसे पहले दिखेगा तो क्योंकि जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करने की दया करेंगे हम पे है ना और जिसने भी लाइक नहीं किया तो भैया एक और दया कर देंगे बच्चा क्या कर देंगे चैनल को लाइक कर देंगे ठीक है और जिसने शेयर नहीं किया है तो ये वाली दया ना ये वाली दया बहुत ज़्यादा करनी है आपको शेयर ज्यादा ज़्यादा करना है क्लास को जो भी व्हाट्सअप टेलीग्राम हर जगह शेयर कर दो इतना शेयर कर दो गुड मॉर्निंग नया ग्रुप है ना नया ग्रुप क्या क्या नाम बनाते हो नया ग्रुप कह रहे हैं मैम गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग चलो ओके ओ सॉरी अफ्रीका ओ सॉरी अफ्रीका है ना तो अफ्रीका ठीक है सात कॉन्टिनेंट को क्रम से लगा दो कि मैडम फर्स्ट नंबर पे एशिया है ना फिर अफ्रीका मैडम फलाना 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 सात कॉन्टिनेंट है ये क्रम से लगा रहे हैं हम है ना वो मेरी क्लास का आज क्या है कौटिल्य पंडित की उपाधि उसको देंगे गैस आइकन को यहाँ से प्रेस कर लेंगे क्योंकि विदाउट बेल आइकन प्रेस किए हुए आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा ठीक है और सुबह सात बजे आया करो है ना सुबह भाई सात बजे आए करो बड़े बड़े अक्षरों में और बड़े बड़े में लिख दें मेरी क्लास मॉर्निंग में होती है सेवन ए एम ठीक है तो बहुत सेवन ए एम भाई बहुत सुबह सुबह आ जाया करो इतने बड़े बड़े मैंने अक्षरों में लिखा है गैस हमारे तीन प्लेटफॉर्म है एक है सरकारी परीक्षा ऑफिशियल जहाँ पर अभी मेरी क्लास चल रही है आप लोग मुझे देख पा रहे हो सरकारी परीक्षा ऑफिशियल ओके एशिया अफ्रीका यूरोप उत्तर और दक्षिण अमेरिका ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका ठीक है राम कह रहे हैं मैम एशिया अफ्रीका ठीक है ओके नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका बिल्कुल सही है यहाँ पे मनोज मनोज आपने यूरोप क्यों घुसा दिया बीच में बच्चा आप देखो यूरोप तो छोटा है यूरोप छोटा है उससे पहले बड़ा कौन सा है नॉर्थ अमेरिका है है ना आपने लगाया है मैं मानती हूँ बहुत अच्छी बात है आपने मेहनत की लेकिन बच्चा यूरोप की जगह आपका अमेरिका आएगा ठीक है तो यहाँ पर कर ने सही क्रम लगाया है एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है फिर है अफ्रीका सभी सुन लेंगे सभी सुन लेंगे ताकि आपको याद हो जाए फिर है नॉर्थ अमेरिका फिर है आपका साउथ अमेरिका है ना बिल्कुल सही लगाया है फिर उसके बाद यूरोप आता है फिर आता है ऑस्ट्रेलिया फिर लास्ट में सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है अंटार्टिका ठीक है चलो फिर से सुन लेंगे अफ्रीका नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका फिर उसके बाद आपका कौन सा आता है यूरोप ऑस्ट्रेलिया फिर अंटार्टिका ठीक है ये क्रम सही है बिल्कुल सही है यहाँ पे यादव जी ने लगाया है एशिया अफ्रीका यूरोप गलत सब का गलत भाई आज मेरी क्लास का जो चाणक्य है उसको उपाधि किसको मिलती है राम को है ना मेरी क्लास के चाणक्य की है ठीक है तो याद रखेंगे एक क्वेश्चन इस टाइप से ना आपसे कल से पूछेंगे क्लास में ही पूछेंगे चाणक्य की उपाधि किसको मिली है भाई राम को मिली है तो एक बार क्लैपिंग कर दो आपके दोस्त के लिए है ना उन्होंने एकदम सही से क्रम लगाया है ना चलो तो गाइस हमारा दूसरा प्लेटफॉर्म है सरकारी परीक्षा डिफेंस ठीक है सरकारी परीक्षा डिफेंस जो भी स्टूडेंट डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं भाई इसको ज्वाइन कर लेंगे यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेंगे यहाँ पे आपके टीचर्स जो है डिफेंस की तैयारी करा रहे हैं तीसरा प्लेटफॉर्म है गाइस हमारा सरकारी परीक्षा स्टेट है ना तो जो भी स्टेट पी स्टेट वगैरह के एग्जाम दे रहे हैं तो इसको ज्वाइन कर लेंगे स्टेट पी आपके आर वगैरह है ना आर ओ आर सबके एग्जाम यहाँ पे सबकी तैयारी कराई जा रही है ओके चलो ओके हाँ भाई बिल्कुल सही राम ने एकदम सही क्रम लगाया था सही सभी बच्चों ने क्या किया ना यूरोप को बीच में घुसा दिया बच्चा मैप आप, मैप आप देखते हो मैप देखते हो आप वर्ल्ड का मैप चलो मैं कल आपको वर्ल्ड का मैप लगा के थोड़ा सा एक बार फिर से दिखा दूंगी पता नहीं क्यों कन्फ्यूज़न हुआ है आपको यूरोप जो है यूरोप छोटा है कॉन्टिनेंट देखेंगे वर्ल्ड मैप में ही तो नॉर्थ अमेरिका काफ़ी बड़ा है भाई यूरोप छोटा सा है है ना फिर उसके बाद साउथ अमेरिका तब आता है यूरोप है ना यूरोप तो बाद में आता है चलो ओके तो कैसे यहीं पे होती है हमारी क्लास ऑफ है ना यहीं पे हमारी क्लास हो जाती है ऑफ खत्म होती है हमारी क्लास ओके मैम आप व्हाट्सएप ग्रुप बना वाली थी ओके मैम एयर फोर्स का क्लास नहीं है क्या बिल्कुल ये जो डिफेंस की त... क्लास जो आपका चैनल है ना गाइस डिफेंस स्पेशल ठीक है इस पर आपकी क्लासेस कराई जा रही हैं सारी है ना तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे यहाँ से यहाँ पे आपकी जो भी डिफेंस से रिलेटेड है चाहे वो एयर फोर्स हो गया चाहे आर्मी कोई भी तो यहाँ पर सारी आपकी तैयारी कराई जा रही है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे ठीक है ओके हाँ भाई मैंने ग्रुप नहीं बनाया है बिल्कुल नहीं बनाया मैंने ग्रुप ओके ड्राइवर याद रखना मैम मनोज कह रहे हैं मैम ड्राइवर को याद रखना अरे नहीं मनोज हम तो दुआ करते हैं आप सलेक्शन ले लो जल्दी है ना ड्राइवर की क्यों ज़रूरत पड़ेगी भाई आप सलेक्शन लो बहुत अच्छे से फिर एक इंस्टीट्यूट खोलो फिर वहाँ पर रखो छवि मैम को कि छवि मैम हमारे यहाँ पढ़ाएंगे है ना इतना करो हम क्यों ड्राइवर आपको रखेंगे आप खोलो एक बड़ा सा इंस्टीट्यूट है ना उसके बाद हम उसमें पढ़ाएंगे चलो चलो मैम जी यू पी एस सी ए पी एफ सी की क्लास तो बच्चे यू पी एस सी की तो कोई क्लास नहीं चल रही है अभी आपके चैनल पे है ना क्योंकि ये स्टेट पी सी है देखो स्टेट पी सी एस का चैनल डिफेंस का है और ऑफिशियल पे आपके जो ऑल वनडे एग्जाम्स होते हैं उसकी क्लासेस चलती है, है ना ओके गुड मॉर्निंग सचिन सचिन कह रहे हैं मैम गुड मॉर्निंग सचिन लेट हो गए हो है ना लेट हो गए हो गुड मॉर्निंग थोड़ा सा लेट हो गया सुबह सात बजे होती है मेरी क्लास तो सुबह सात बजे आ जाए करो देखो मैंने कितना बड़ा बड़ा यहाँ पे सात लिखा हुआ है ना तो सुबह सुबह सात बजे क्लास होती है किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो चलो बिल्कुल इसीलिए ग्रुप नहीं बनाया सावित्री कह रही मैम मत बनाना ग्रुप सभी मस्ती करेंगे वहाँ पर चलो डिफेंस का क्लास कब से है मैम यादव यादव जी पूछ रहे हैं तो यादव जी आप इस चैनल पे चले जाएंगे एक बार है ना या फिर जो है इस चै हाँ इस चैनल पे ही चले जाएंगे वहीं पर देख लेंगे आप क्योंकि मैंने अभी नहीं देखा यहाँ पे कौन से कौन से आ, मतलब तैयारी चल रही है आपकी है ना लेकिन मुझे ये पता है यहाँ पर डिफेंस की क्लासेस आपकी चल रही हैं ठीक है बच्चा इसका मुझे आइडिया नहीं आप टीम से बात कर लेंगे इसकी ओके स्टडी लवर कह रहे हैं मैम करंट अफेयर की क्लास का टाइम चेंज नहीं हो सकता क्या क्या टाइम रखना है भाई क्या टाइम रखना है क्या चाह रहे हो टाइम रखे थे पहले नौ बजे टाइम रखे थे लेकिन आप लोग नौ बजे भी लेट कर देते थे है ना चलो चलो अब चलते हैं देखो बतियाने के लिए बच्चे कितना एक्साइटेड रहते हैं है ना बतियाने के लिए तो सारे आ गए भाई जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है एक प्यारा प्यारा आपकी तरह एकदम स्वीट स्वीट सा प्रटी प्रटी सा गोलू गोलू सा एक प्यार प्यारा प्यारा लाइक कर दो और भाई आप सबका छोटा सा छोटा सा मैं आपको काम दे रही हूँ बहुत छोटा सा काम है ना छोटा सा काम करना है मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे अपना स्टेटस लगा लेंगे फेसबुक व्हाट्सअप हर जगह जो हम भी आपको लगता है कि हाँ आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट आ सकते हैं क्लास में है ना तो आप लोग स्टेटस लगा लेंगे और आपके वाट्सअप टेलीग्राम हर जगह शेयर करते जाएंगे बच्चा ये तो काम मेरे लिए आप कर दिया करो प्यारे प्यारे से ठीक है शेयर करना और कुछ दिन के लिए अपनी मेरी क्लास को जहां आपको लगता है जो भी आपका कोई ग्रुप है वहां पर स्टेटस लगा लो ठीक है ताकि आपके और भी फ्रेंड आ सके तो गाइस यहीं पर लेते हैं हम विदा आपसे है ना क्लास होती है ऑफ बहुत बात कर ली आपसे आज तो आपको लास्ट में एक मिनट देती हूँ बात करने के लिए आज मैंने बहुत ज्यादा टाइम दे दिया ओके दीदी थैंक यू मैम थैंक यू मैम बाय मैम ओके बाय 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 सभी को बाय टेक केयर बहुत अच्छे से तैयारी में लगे रहे बहुत अच्छे से अपना एग्जाम दे गाइस मैं छवि आप लोगों से विदा लेती हूँ मिलते हैं कल की क्लास में सुबह सात बजे मिलना ना बोलें सात बजे आ जाया करो ठीक है ओके तो गाइस चलते हैं विदा लेते हैं आपसे जय हिंद जय भारत